सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये गणित सब्जेक्ट से, और गणित सब्जेक्ट के अध्याय 4 और अध्याय 5 से है। अध्याय 4 में समांतर श्रेणी और अध्याय 5 में अनुपात एवं समानुपात है, और ये जो प्रश्न है ये बोर्ड के द्वारा दिया हुआ प्रश्न है, तो इसे आपको अनदेखा नहीं करना है। मैं आप लोगों को जो भी प्रश्न दे रहा हूं उन सारे प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करना है और अच्छे से तैयारी करना है। मैंने IIMB सूची 1 से 13 अध्याय तक पूरा बता दिया है कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हीं प्रश्नों को आपको पढ़ना है और उनका प्रैक्टिस करना है। चाहे आप रट लो जो भी करो, लेकिन उन प्रश्नों को आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा अगर आप बाहर से पढ़ते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वहां से प्रश्न नहीं आएंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे IIMB सूची को पढ़ो और ये जो प्रश्न दे रहा हूँ इसको पढ़ो, इसके बाद आपका नंबर इतना हाई हो जाएगा कि कोई भी आपको आपके स्कूल से टॉप करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि बोर्ड की जो सूची तैयार होता है ना प्रश्नों की, वो सूची हमारे पास आ जाता है कि बोर्ड ने ये सूची तैयार किया, इन इन प्रश्नों को ऐड किया, तो वो सूची हर स्कूलों में जाता है, ठीक है। अधिकतर प्राइवेट सेक्टर की स्कूल यूज करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की स्कूल को कोई मतलब नहीं, बच्चे फेल हो जाए उसे कोई मतलब नहीं होता है, तो गवर्नमेंट मैसेज रहता है, तो गवर्नमेंट वाले कभी नहीं बताते, प्राइवेट वाले बताते हैं। इसीलिए प्राइवेट के बच्चों का जो नंबर आता है वो 95, 96, 99 तक के चला जाता है, इसी कारण जाता है। और बाकी जगह जो सरकारी स्कूल है मुश्किल से 80-85 यहीं तक, और एक दो बच्चे पढ़ने में अच्छे होशियार हैं तो वो लोग 90 तक के पहुंच जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा पाते हैं। तो कारण मैंने आपको बता दिया क्यों ऐसा होता है, तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है, और मैंने जो IIMP सूची दिया है उसको भी आपको पढ़ाई करना है। तो चलो मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। देखो प्रश्न पहला क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है, तब समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होगा। तो एनवा पद मतलब टीएन, टीएन सभी में है, चलो सभी में टीएन है। अब हमें देखते हैं, मतलब अब हम देखने वाले हैं ए प्लस एन माइनस वन डी, जो सूत्र मुझे याद है वो कहाँ पे है, देखो ए प्लस एन माइनस वन और ये रहा डी, तो ये जो सी है ये इसका उत्तर होगा, ओरिजिनल उत्तर, ठीक है, बाकी सब गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया जबकि यहाँ पे प्लस होना चाहिए इसलिए गलत है, यहाँ पे माइनस इसलिए ये गलत है। तो गलत होने के कारण पता चल गया, देखो दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो उत्तर आपको ले लेना है 55। एक से लेके ना डायरेक्ट 10 तक के जोड़ोगे संख्याओं को, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे तो इन सभी संख्याओं का योग होता है 55 होता है, 55 आ जाएगा। और इसे निकालने का एकदम शॉर्टकट ट्रिक है सूत्र, एन एन प्लस एक और दो, एन का मान कितना रखेंगे 10 रखेंगे, तो देखो 10 और एक, 10 प्लस एक और ये रहा 2, 2 एकम 2 पंचे ये कितना हो जाएगा 11, तो 11 और गुणित 5 कितना हो गया 55, आ गया 55। इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक से निकाला जाता है। क्या यह कहना उचित है, प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात होने पर समांतर श्रेणी की रचना की जा सकती है, ये सत्य है, ठीक है, सत्य असत्य में प्रश्न आएगा तो ये सत्य है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी तथा अंतिम पद एल हो तो अंतिम से वह पद याद कीजिए, तो मुझे सूत्र देखना है। अब टीएन की जगह में सिर्फ एल रहेगा, किसके जगह में, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है टीएन है, टीएन के जगह में क्या रख देंगे इस बार एल रख देंगे, बाकी पूरा सेम टू सेम रहेगा। तो देखो कहाँ पे है ए प्लस एन माइनस वन डी, लेकिन रहेगा क्या टीएन की जगह में एल, तो ये सूत्र रहेगा, ठीक है। उत्तर क्या लेना है, ये इसको लेना है। चलो इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि यहाँ पे देखो, एक मिनट मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। देखो किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर हो सकता है केवल धनात्मक ऋणात्मक शून्य और यहाँ पे उपरोक्त तीनों, तो उपरोक्त तीनों हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक और ये तीनों हो सकता है। उस समांतर श्रेणी का एनवा पद होगा जिसका प्रथम पद ए तथा सर्वांतर क्या है डी है, तो अभी जस्ट मैंने बताया यही वाला है ना, ये देखो यहाँ से प्रश्न वो लोग उठाए थे, जबकि बोर्ड के जो सूची है उसमें भी यही प्रश्न था, ठीक है, बस आगे में टीएन लगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सूत्र लेना है ना। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे क्या कह रहा है दूसरा, ये गलत है, ए प्लस एन माइनस डी ये होगा। देखो उस समांतर श्रेणी का पांचवा पद होगा जिसका प्रथम पद 5 तथा सर्वांतर 5 है, तो प्रथम श्रेणी मतलब इसका प्रथम पद क्या होगा 5 और सर्वांतर क्या है डी है,
तो पांचवा पद हमें निकालना है, तो पांचवा पद इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, इसे ले लेना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, समांतर श्रेणी 3, 5, 7 में 15वां पद है, इसका अंतिम पद होगा, तो इसका अंतिम पद जो है वो 31 होगा। हल करके देख लेना, पीछे वाले में आगे वाले घटाओगे तो 2 आ जाएगा, और 15वां पद निकालना है तो n का मान कितना है, 15, ठीक है। d का मान निकल गया प्रथम पद, और ये सूत्र में बस मान रख दो, आसानी से बन जाएगा और 31 आ जाएगा। इसी तरह से अंडर रूट 3+1 और अंडर रूट 3-1 का समांतर माध्य होगा, तो समांतर माध्य कितना होगा, तो समांतर माध्य आपको लेना है इतना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों घट जाएगा। समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 दसवां पद होगा, दसवां पद बताना है, बहुत आसान है दसवां पद निकालना, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखो, श्रेणी 7, 13, 19 का पांचवा पद बताना है, तो पांचवा पद क्या होगा, तो पांचवा पद आपको ले लेना है 31 ले लेना है। 1, 3, 5, 7 का नौवां पद निकालना है, नौवां पद निकालोगे तो कितना हो जाएगा, उत्तर इसका आ जाएगा 20 आ जाएगा, 17। देखो मैं निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ, आप लोगों को पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है ना, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत आसान है। ये पीछे वाले पद में आगे वाले को घटा दो, किसी को भी वैसे कर सकते हो, जैसे 5 में 3 घटा दो, 7 में 5 घटा दो, ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, डी का मान, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वांतर। तो मैं सबसे पहले सर्वांतर निकालता हूँ, तो 3 में अगर मैं 1 घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2, और प्रथम पद क्या है यहाँ पे, 1 है ये, और एनवा पद क्या है, एन का मान यहाँ पे 9 दिया है। अब सूत्र लगाओ, टी एन बराबर 1+ a का मान, यही सूत्र है ना, देखो a+n-1 और d, ये सूत्र है, बस इस सूत्र में रख रहा हूं, तो a का मान कितना है, 1 है, और n का मान कितना है, 9-1, और d का मान कितना है, 2, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 1+, ये 8 हो गया और गुणित 2, तो ये हो जाएगा 8 × 16 और +1 = 17, ठीक है, देखो 17 आ गया, देख लो, ठीक है। तो इस तरह से इसे निकालते हैं, 2 नंबर के प्रश्न में ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। इसके बाद देखो, समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 में सार्वांतर होगा, तो सार्वांतर होगा तो इसको भी वैसे ही निकालना है, लेकिन उत्तर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, सार्वांतर बताना है ना, तो सार्वांतर क्या होगा, पीछे वाले पद में आगे वाले को घटा देंगे, तो 6 आएगा, ये लो 6, 11 में 5 घटाओ तो 6 आ जाएगा, 6 सार्वांतर इसका। इसके बाद ए तथा बी का समांतर माध्य बताना है, समांतर माध्य का सूत्र आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, a+b मतलब दोनों को जोड़ दो, ये होता है a+b/2, यही समांतर माध्य का सूत्र है, ठीक है। तो देखो a+ और ए बी का ही निकालना है, तो a+b = 2 आ गया, तो a+b = 2, तो आपको 11वां में क्या लेना है, डी लेना है। इसके बाद देखो, 6 और 4 इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे, तो 6, 4, 10, और 10 को 2 से भाग करें कितना है, 5, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 5, इसका समांतर माध्य कितना है, 5 है। 12वां भी समझ में आ गया, देखो इसका समांतर माध्य क्या होगा, ये प्लस में है, ये माइनस में, घट जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 में a आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 14वां प्रश्न, यहाँ पे 5 और 3 दिया है, का समांतर माध्य होगा, तो समांतर माध्य होगा पूछ रहा है, तो देखो घटा दो तो 2 आएगा, 2 को 2 से घटा करोगे तो फिर यहाँ भी 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इन पदों वाले एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा अंतिम पद an हो तो श्रेणी का योगफल होगा, तो श्रेणी का योगफल होगा, तो यहाँ पे उत्तर क्या लेना है, डी ले लेना है, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 1 सेकंड दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, आगे दिखाता हूँ अब मैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है ना, तो यहाँ पे समांतर श्रेणी 2, 2, 2, 2 का समांतर का सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर बताना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सर्वांतर आ जाएगा, ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो 11, 15, 19, 23, ठीक है, और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए सर्वांतर बताना है, तो इसमें पीछे वाले में आगे वाले को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 4 आएगा, 15 में 11 घटाओगे तो कितना आएगा, 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। चलो मैं लिख देता हूँ, समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित होती है कहलाती है, तो जो अपरिमित होती है उसे अपरिमित समांतर कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरिमित रहेगा और साथ में इसके साथ समांतर जुड़ जाएगा। संख्या ए तथा बी का समांतर माध्य क्या होगा, ए प्लस बी अपान दो,
ठीक है, इस तरह से ए प्लस बी अपान दो ले लेना है। इसका समांतर माध्य बताओ, तो 5 और 3 8, 8 को 4 2 से डिवाइड कर कितना 4, तो ये 4 आ गया। इसका समांतर माध्य बताओ, एक प्लस एक माइनस में है तो 0 आएगा, सीधा कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के एनवा पदों का योग एस एन तथा प्रथम एन माइनस वन पदों का योग एस एन माइनस एक है, तो उस श्रेणी का एनवा पद खाली स्थान होगा। तो एनवा पद कितना होगा, तो इसका उत्तर आपको लेना है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस एन, ठीक है, ये एस एन है। अब इसी में हम क्या करेंगे, घटा देंगे किसको, ये वाले मान को, एस एन माइनस वन, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद 2 माइनस 1 दो एन माइनस एक है, तो श्रेणी का तीसरा पद खाली स्थान होगा, तो इसे श्रेणी का तीसरा पद क्या हो सकता है, 5 होगा। ठीक है, इस तरह से। चलो इसके बाद मैं अनुपात और समानुपात से प्रश्न दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। अनुपात और समानुपात, तो देखो ये रहा अनुपात, और इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको पूरा दिखाई दे ना। तो अनुपात एवं समानुपात से देखो प्रश्न, दो सजातीय राशियों की तुलना खाली स्थान कहलाती है, तो क्या कहलाती है, अनुपात कहलाती है। अनुपात में अनुपात कैसे, दो सजातीय राशि मतलब ए अनुपात बी, यही तो है ना, या हम इसे कैसे लिखते हैं, ए अपान बी, इस तरह से भी लिखते हैं। तो ये किस फॉर्म में है, अनुपात के फॉर्म में, दो सजातीय राशि या ए अपान बी, ठीक है, तो इसे हम अनुपात कहेंगे। दो अनुपातों की तुलना क्या कहलाती है, समानुपात। पात कैसे लिखते हैं, समानुपात, देखो ए अनुपात बी, समानुपात सी अनुपात डी। तो देखो दो क्या कह रहा है, दो अनुपातों की तुलना, ये देखो यहाँ पे दो अनुपात है और इसके बीच में समानुपात है, तो दोनों की तुलना करेंगे तो समानुपात से करते हैं। ठीक है, बन जाएगा ये प्रश्न आएगा, तो यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। बहुत आसान है, पहले और चौथे का गुणा होता है और दूसरे और तीसरे का। तो ए और डी देखो, पहले ए डी यहाँ पे है, बी और सी देखो बराबर बी सी, तो यह पहला ही इसका उत्तर रहेगा। क्या यह सत्य है कि समानुपात में मध्य पदों का गुणनफल अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर होता है, ये सत्य है, राइट कर रहा हूं इसके लिए। इसी तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो मध्य अनुपाती क्या होगा, बहुत आसान है, मतलब ये जो बी है ये 2 बार आएगा, तो बी 2 बार मतलब बी का वर्ग हो जाएगा, तो बी का वर्ग देखो कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, बी का वर्ग बराबर, और ये दोनों क्या हो जाएगा, पहला और अंतिम का गुणा, ठीक है, तो ए सी, तो बी का वर्ग बराबर ए सी, यही इसका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। चलो आगे दिखाता हूं। इसके बाद देखो यहाँ पे, यदि राशि एक्स को ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में बांटा जाए तो इसका पहला भाग है, तो पहला भाग क्या होगा, तो ए बी सी, ठीक है, तो पहला भाग मतलब ये नीचे में आ जाएगा, और एक्स राशि है, तो देखो ए एक्स अपान ए प्लस बी प्लस सी, तो यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। इसी तरह से देखो, इसे थोड़ा सा जूम करते हैं हम। इसके बाद आयतन, देखो आयतन में प्रतिशत वृद्धि का सूत्र क्या होता है, तो आपको बी ले लेना है, आयतन में वृद्धि अपान मूल आयतन गुणी 100, ये इसका सूत्र है। तीसरा देखो, ये क्या किस फॉर्म में है, ये अनुपात और समानुपात, मतलब यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्स का मान निकालना है, कैसे निकालोगे एक्स का मान, तो ये एक्स और ये एक्स है, ये दूसरा और तीसरा गुणा हो जाएगा, तो एक्स का वर्ग हो जाएगा, और ये 54 और 6 गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो इसका उत्तर जो है वो आ जाएगा आपका, एक सेकंड निकाल ही लेते हैं, ठीक है, सोचने से कोई मतलब नहीं है, हल करके देखते हैं कितना आ रहा है, क्या है, 6 और 54 गुणित कर दो, एक्स का पहले वर्ग करो और ये 6 गुणित 54 कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे 54, और इसे और तोड़ सकते हैं क्या, इस तरह से गुणनखंड करके तोड़ लेते हैं 54 को, ये 6 जो है 2 गुणित 3 में टूट जाएगा, 54 को तोड़ के देखते हैं, 2 से करो, 2 दूनी 2 7 फिर 3 से 3 निया फिर 3 से 3 तिया फिर 3 से 3 एकम, ठीक है, ये जोड़ा बन गया। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 जोड़ा बनाओ, ये भी जोड़ा, ठीक है, ये दोनों भी जोड़ा बन गया और ये दोनों भी जोड़ा बन गया, ठीक है, और यहाँ भी जोड़ा बन रहा है, तो देखो 1 2 3 तीन जोड़ा बन गया, ठीक है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, वर्ग हटा दो तो इससे 2 निकलेगा, इससे 3 निकलेगा और इससे 3 निकलेगा, 3 क्या 9, 9 दूनी 18, तो उत्तर आ गया 18, उत्तर 18 कहाँ पे है,
देखो ये रहा डी, इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको सिखा दिया कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है ये। ठीक है, हमेशा पहला और अंतिम का गुणा और दूसरा और तीसरा का गुणा होता है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे राशि ए तथा सी का मध्यानुपाती है, तो ए और सी का मध्यानुपाती क्या होगा, तो यहाँ पे उत्तर आपको क्या लेना है, इसे ले लेना है बी को। यदि राशि ए बी सी और डी समानुपात के पद है तो पद ए व डी को कहते हैं प्रथम और अंतिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो चरम पद है, मध्य पद है और मध्यानुपाती है, तो क्या कहोगे, इसे चरम पद कहते हैं। ठीक है, शुरू भी होता है और अंतिम भी यही है, तो चरम पद मान लो। यदि किसी राशि एक्स के बढ़ने या घटने के फलस्वरूप राशि वाई क्रमशः घटने या बढ़ने लगती है तो निम्न में सही संबंध, तो निम्न में सही संबंध बताना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ये। इसी तरह से देखो सातवां, दो तुल्य अनुपातों का संबंध क्या होगा, समानुपात, अभी जस्ट मैंने बताया ना वही है ये। इसके बाद रिक्त स्थान को देख लेते हैं। रिक्त स्थान में देखो किसी यात्रा में लगने वाला समय एवं बस की चाल में खालिस्तान संबंध होता है, तो उत्तर क्या लेना है, तो उत्तर लेना है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती पाती। ठीक है, आगे देखो, किसी काम को पूर्ण करने पर मजदूरों की संख्या एवं उसके द्वारा लिया गया समय के बीच खालिस्तान संबंध है, तो यहाँ भी यही आएगा, व्युत्क्रमानुपाती आएगा। ठीक है, आधा मीटर एवं 50 सेंटीमीटर के में अनुपात खालिस्तान होगा, तो उत्तर क्या लेना है, 1:1 लेना है, 20% का अनुपात, 20% का अनुपात कितना होगा, 1/5, तो 1:5 होगा। इस तरह से 40 लीटर का 10% बराबर खालिस्तान लीटर है, तो ये 40 का 10 मतलब 4 लीटर। ठीक है, इसके बाद है यदि 7:3 समानुपात 21:1 एक्स हो तो एक्स का मान बताना है, पहले और चौथे गुणा 7 × 7 = 3 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी तरह से ए बी सी हो तो मध्यानुपाती, मैंने बताया था, क्या बताया था, b² बराबर ए सी, यही होगा इसका मध्यानुपाती। ठीक है, ये पूरा लिख सकते हो, और इसको और हल करना चाहो तो हल करके इस वर्ग हटाओगे तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा, प्लस माइनस लिख दोगे, तो ये लिख देना, ये पूरा सही है। ठीक है, आगे देखो, 12 और 6 का तृतीयानुपाती होगा, तृतीयानुपाती बताना है 12 और 6 का, तो मतलब एक संख्या यहाँ पे 2 बार आया है, कौन सा 2 बार आएगा, 12 पहला है, ये 2 बार आएगा, 6 और 6, तभी तो तृतीयानुपाती निकलेगा ना, तो ये 12 और 6 और 6 सूत्र कैसे लगाओ, देखो मैं बताता हूँ अभी, अगर 2 संख्या है ऐसे इस तरह से तो 12, ठीक है, अब 5 6 और 2 बार 6 आएगा, ये 6, और इस तरह से तीसरे पद को एक्स मान लो, तो ये दोनों गुणा हो जाएगा। ठीक है, 6 कम 6 2 काट दो पहले ऐसे ही, तो काट देंगे तो 2, और यहाँ पे नीचे में आ जाएगा क्या, 6, और ये आ जाएगा ऊपर में एक्स, 2 एकम 2 3। ठीक है, सॉरी, एक्स ऊपर में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, अब क्या करेंगे, एक्स और 3 नीचे में दोनों, तो दोनों ऊपर ले जाते, x = 3, तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा आपको तामझाम नहीं करना है, बहुत आसान आसान प्रश्न है, यहाँ भी तृतीयानुपाती पूछा है, देखो 18 और 6 का, समझ में नहीं आया होगा तो इससे समझ जाना, ये 18 6, तो 6 2 बार रहेगा तृतीयानुपाती, और ये एक्स है, तो 6 कम 6 3 18 हो गया, इस एक्स को ऊपर ले जाओ तो ये एक्स ऊपर गया, इस 3 को नीचे ले आओ, क्योंकि संख्या संख्या को ही भाग कर सकता है ना, और चर राशि को भाग करेगा, तो ये 3 नीचे 3 एकम 3 2, तो एक्स का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 2-3 ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। इसी तरह से इसको भी बनाना है, 2 और 6 का मध्यानुपाती होगा, तो 2 और 6 का मध्यानुपाती कितना होगा, अंडर रूट 2 होगा, हल करके देख लेना आ जाएगा। ठीक है, 2 और 6 का मध्यानुपाती, क्योंकि मध्यानुपाती कह रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, 2 और 6 का मध्यानुपाती, तो ये प्रथम पद है और तिथि पद है, तो दूसरा पद क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, तुम लोगों से ये बनेगा नहीं, क्योंकि इस बार ये कहा क्या है, मध्यानुपाती का है। देखो ये दूसरा मतलब ये पहला पद हो गया और ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद है, इसका मतलब क्या है कि इसे बराबर के यहाँ पे लिखूंगा 6 को यहाँ पे। अब दूसरा पद निकाला है मध्यानुपाती, इन दोनों को मैं एक्स रख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ हल होगा, तो एक्स 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 का वर्ग हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12।
इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3 ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3, हाँ ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। देखो इस प्रकार से तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया और यहाँ पे 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये इतना उत्तर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कितना दे रहा था, मध्यानुपाती 2 बस दे रहा था, तो करनी 2 नहीं, करनी 3 है और ये 2 है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखो 11वां प्रश्न देखो। यदि 16:4 x हो तो x का मान खाली स्थान होगा, तो उत्तर क्या लोगे, तो उत्तर लोगे 1 लेना है। ठीक है, यहाँ पे हल कर लेना, बिना हल करे मत लेना। ठीक है, मैंने बता दिया है कि कैसे हल करना है, ये प्रथम द्वितीय और ये 3 पद में बन रहा है, मतलब ये पद 2 बार आएगा और ये तृतीय पद आपको निकालना है। यहाँ पे देखो प्रथम द्वितीय तृतीय, ये प्रथम पद है तो ये 2 बार आएगा, क्योंकि 3 पद दिया है, तो बीच वाला पद क्या है, 2 बार यूज होगा, ये 18 18 2 बार होगा और फिर एक्स ये प्रथम है, तो प्रथम पद का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको भी निकालोगे तो ये क्या कह रहा है, एक्स मान, तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय यही है, इसके बाद ये चतुर्थ पद है, तो इस तरह से एक्स मान आपसे निकल जाएगा। ठीक है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको समझा दिया बनाने के तरीके के साथ। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से प्रश्न है। अब यहाँ पे देखो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो एकांतरानुपात नियम से ए अनुपात सी बराबर बी अनुपात डी, क्या ये सही है, तो ये सत्य है, जो एकांतरानुपात कह रहे हैं उसके थ्रू ये सही है। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो योगानुपात नियम से ए प्लस बी अनुपात ए सी प्लस डी अनुपात सी कह रहे हैं, क्या ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिया है अनुरानुपात नियम से ये जो मान दिया है ये क्या सत्य है, तो इसे भी क्या करना है, हमें असत्य ले लेना है। इसके बाद चौथा में देखो योगांतरानुपात नियम से ये जो मान दिया है ये क्या सत्य है, तो ये सत्य है। ठीक है, पांचवा भी सत्य ले लेते हैं, छठवा सत्य है, सातवा सत्य है, आठवां असत्य है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। ठीक है, सत्य है, नौवां सत्य है और 10वां भी सत्य है। तो इस तरह से 2 अध्यायों का महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने आपको बना के दिखा दिया और वो ही आएगा। ठीक है, तो इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना।